मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम फेम फेयरनेस नेचुरल्स फेम के बारे में यानी कि ब्लीच के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। और जो लोगों की शिकायत है कि उनका चमड़ी काफ़ी मोटा है और ब्लैक है, भद्दा है और खुरदुरा है, उनके लिए ये फेम जो कि फेयरनेस नेचुरल वाला है और उनके लिए चेहरे को सुंदर और गोरा बना सकता है। यानी कि जिन लोगों का चेहरा काला है, चमड़ा मोटा है और बहुत ही भद्दा चेहरा है और खूबसूरत नहीं है, तो उनको और काला चेहरा है उनको गोरा बनाने के लिए ये फेम जो कि आ रहा है शेफ्रॉन क्रीम ब्लीच, ये और भी फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि गोल्ड कलर गोल्ड ब्लीच में भी मिल जाएगा आपको ये शेफ्रॉन। यानी कि देखिए पिंक कलर का ये बॉक्स है और गोल्ड वाला लेंगे तो गोल्डन कलर का बॉक्स बना रहेगा। इसके प्राइस पे हम नज़र डालते हैं। देखिए इसकी प्राइस जो है 57 रुपये है और नेट वेट 24 ग्राम का है। इससे सस्ता भी आता है, 12 ग्राम का आता है। और देखिए फार फेयर स्किन टोन, यानी कि आपकी स्किन के फेयरनेस के लिए ये फेम है। और इस पर देखिए नो एडेड एमोनिया, यानी कि इसमें एमोनिया नहीं डाला गया है। और फार स्किन टोन तो और देखिए डर्मोटोकोलॉजिकली टेस्टेड है ये टेस्ट, यानी कि ये जो और ये देखिए इसमें जो पाउडर है नेट वेट 24 ग्राम जो है, क्रीम ब्लीच 21 ग्राम है और 3 ग्राम जो है पाउडर है। इसके अंदर के बॉक्स को हम खोल कर देखते हैं और इसमें क्या क्या हमें कंपनी द्वारा मिलता है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए इसमें क्रीम ब्लीच है बड़े से बॉक्स में, इसको किनारे रखते हैं, और छोटे से बॉक्स में जो है ब्लीच है। इसको यूज़ करना कैसे है, पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से पानी साफ पानी से धुल लें और उसको ड्राई कर लें, ठीक। और उसके बाद आपको ये पाउडर और क्रीम उतनी मात्रा में आप निकालें जितना कि आप उस अपने चेहरे पे पूरा लगा सकें, नहीं तो ज़्यादा बना लेंगे दोनों मिला के तो बेकार जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा जितना चेहरा पे यूज़ होगा होगा, नहीं तो आपको फेंकना पड़ेगा। और इस ब्लीच का इस्तेमाल उतना ही करें, मतलब कम से कम ही इस्तेमाल करें, नहीं तो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके चेहरे को काट देगा, आपकी स्किन को ज़्यादा पतला कर देगा। और इसके यूज़ करने के लिए आपको इसमें क्रीम में इस पाउडर को मिला देना है और मिलाने के बाद अच्छी तरह से उसको फेंट लेना है। और फेंटने के 5 मिनट बाद अपने स्किन पे अच्छी तरह से हाथों से पूरा लेप कर लेना है, मतलब कि आँख को छोड़ के, और यानी कि एक्सटर्नल यूज़ ओनली है, अंदर ना जाए, मुंह के अंदर ना जाए, ना ही आँख के अंदर जाए, इसका ख्याल रखें। और इसका रिएक्शन भी होता है, रिएक्शन चेक करने के लिए आपको ये चाहिए कि पहले थोड़े से स्किन पे अपने कहीं लगा लें चेहरे पे, अगर आपको लाल लाल दाने या चकत्ते या चेहरे पे गर्माहट या खुजली की शिकायत होती है तो फौरन डॉक्टर से मिलें और इससे फेम ब्लीच का इस्तेमाल ना करें। अगर आप थोड़े से लेकर चेहरे पे लगा ले रहे हैं, अगर आप 10 से 15 मिनट में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो इस फेम ब्लीच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना झिझक के। तो करना क्या है कि पहले हमें पेस्ट तैयार करना होगा इस क्रीम में इस पाउडर को मिला के, और 5 मिनट बाद अपने चेहरे को साफ करने के बाद अच्छी तरह से पूरे चेहरे पर लेप कर लेना है, जिसमें आप ख्याल करें कि आँख के अंदर ना जाए ना ही मुंह के अंदर जाए। और लेप जब अच्छी तरह से लग जाए तो उसको 15 आधे घंटे या 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दें सूखने के लिए। और जब ये ब्लीच यानी कि जो क्रीम है चेहरे पे पूरी तरह से सूख जाए और पपड़ी की तरह उखड़ने लगे तो अपने चेहरे को अच्छी तरह से धुल लें साफ पानी से और उसको तौलिए से पोंछ लें। और उसके बाद आपको ना ही कोई फेस वाश यूज़ करना है और ना ही कोई क्रीम लगाना है उस दिन जिस दिन आप इस फेम का प्रयोग कर रहे हैं अपने फेयरनेस के लिए अपने चेहरे को। तो इस तरह करके आप इसका यूज 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, यानी कि महीना में अगर करना हो, एक महीने के अंदर यूज करना हो तो 2 बार 15 दिन के अंतराल पे इस
फेम जो फेयरनेस नेचुरल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शेफ्रॉन क्रीम ब्लीच है, जबकि ये गोल्ड ब्लीच में भी आता है और काफ़ी अच्छा है, इफ़ेक्टिव है आपके चेहरे को काफ़ी। ये 2 से 4 बार यूज़ करने से आपके चेहरे को काफ़ी गोरा और स्किन को काफ़ी, आपके चमड़े को पतला और नरम मुलायम और कोमल बना देगा और चेहरे को काफ़ी निखार देगा। अगर इस फेम फेयरनेस नेचुरल्स के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।